दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पर ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर दैट द रिसीव्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर अनदर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट। फाइनली द अमाउंट बिकम 1,75,450। व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट? इनिशियल अमाउंट कितना था इन्वेस्ट किया जो, वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? पहले ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है उसको इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, फिर उससे जो पैसा मिला उसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा दिया। तो सिंपली हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, पी। ठीक है, पी हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, 1+R/100^2। ये कट कटा के 1:1 आ जाएगा। ये क्या है, इनिशियल अमाउंट है। ये बोल रहे हैं कि जो इनिशियल अमाउंट है उसको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया गया। तो इनिशियल अमाउंट क्या थी, पी, जो कि हमें लास्ट में पता करनी है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10 की रेट से 2 साल के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया और हमारे पास ये अमाउंट आ गई 1.21। तो ये जो अमाउंट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आ गई। अब इस अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कितने, 3 साल के लिए 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना। जो अमाउंट आएगी वो बराबर है किसके, 1,75,450 के। तो 1:1 इंटू कितना रेट क्या है, 15 इंटू टाइम क्या है, 3 साल, ओवर 100 प्लस 1। ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इसमें ओनली हमारे पास ब्याज आता है, लेकिन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है इसमें जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, उसमें ब्याज ऐड करके आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पी को फिर से ऐड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको फिर से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये बराबर है किसके आ जाएगा, 1,75,450 के। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। 1:21 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 45 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 100 को 1 से करोगे तो 100 आ जाएगा, और ओवर 100 बराबर है इसके। ठीक है, ये पी की वैल्यू पता करनी है, पी कितना हो जाएगा, 1,75,450 × 100 ओवर ये आ जाएगा 1.21, और इंटू ये कितना आ जाएगा, 145। ठीक है, 45 + 100 145 हो जाएगा। अभी हम इसको कट करेंगे, इसको इसके साथ कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, 1, 2, 3 इतना आ जाएगा, ये कट करके देख लेना आप। फिर हम इसको कट करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, 1,000 और 100, 1,000 की 3 ज़ीरो और 100 की 2 ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 1,00,000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।